13 दिसंबर 2023 को संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई। लोकसभा में एक भाषण चल रहा था, तभी अचानक ये मंजर दिखा। इस घटना के दौरान क्या क्या हुआ, आरोपियों का मकसद क्या था, उन्होंने इसकी साजिश कैसे रची, अब तक उनके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई हुई है, आपको बताएंगे हर बड़ी बात। सबसे पहले खुद एक सांसद से सुनिए कि घटना के वक्त संसद में क्या हुआ था। जब वो ऊपर से कूदे हैं तो हम आगे बैठे हुए थे, जीरो आवर का लास्ट टाइम था, तो थोड़ा हल्ला गुल्ला ऊपर से आया तो हमने ध्यान दिया, एक आदमी पहले कूद गया, एक दूसरा भी कूद रहा था, तो जो पहले कूद गया वो ऊपर से स्पीकर की तरफ बढ़ रहा था और वो हल्ला गुल्ला कर रहा था, वो उसने जूता उतारना शुरू किया, जूते में कोई चीज थी, तो जब उसने शुरू किया उसको वो पकड़ा गया, बैनीवाल थे, उन्होंने उनके जब पास पहुंचा उन्होंने पकड़ लिया, तो फिर मैंने, मेरे को था कि एक दूसरा भी है पीछे, जब हम वहां तक पहुंचे तो उसने वो बम टाइप था, कुछ स्मोक सा निकल रहा था, ये पीले रंग का बहुत धुआं था, ये बिल्कुल वही लगा है, उसी को मैंने फिर पकड़ के उसको शीन के बाहर तक फेंकने शुरू किया, ताकि वो एक पता नहीं लग रहा था क्या है, तो लेकिन सबकी सुरक्षा का मामला था, तो फिर उतने देर को सब लोग आ गए और उन्होंने पकड़ा। अब इनके सिक्योरिटी के, इससे बड़ा सिक्योरिटी चूक क्या नहीं है, बहुत बड़ा सिक्योरिटी चूक है, क्योंकि जब से ये नया पार्लियामेंट बना है इसका ये प्रॉब्लम आ रहा है, आने जाने का रास्ता एक ही है, कोई भी पार्लियामेंट में जा रहा है, कंटीन में सब इकट्ठे बैठ रहे हैं, वो थोड़ा सा सेपरेट चाहिए, पुराना पार्लियामेंट था ये सब चीज़ें अलग अलग थी, वहाँ तक को पहुँचने को 10 बार सोचता था, लेकिन ये बहुत बड़ी सिक्योरिटी चूक हुई है। कोई स्लोगन भी कर रहे थे, वो नारे भी लगा रहे, तानाशाही बंद करो, कोई ऐसे नारे लगा रहे थे, लेकिन बहुत ध्यान नारों की तरफ हमारा गया ही नहीं, हम तो बचाव के चक्कर में भागे के किसी तरीके से इनको पकड़ लिया जाए। यहाँ जिन दो आरोपियों का जिक्र किया गया है उनके नाम सागर शर्मा और मनोरंजन बताए गए हैं। बताया गया है कि उन्होंने नारेबाजी की और सदन में कैन के जरिए पीले रंग का धुआं फैला दिया। इसके साथ ही बताया गया है कि लगभग उसी वक्त दो अन्य आरोपियों अमोल शिंदे और नीलम देवी ने संसद परिसर के बाहर कैन से रंगीन धुआं छोड़ा और तानाशाही नहीं चलेगी के नारे लगाए। कई मीडिया रिपोर्ट्स में पुलिस के हवाले से बताया गया है कि इस घटना की योजना 6 लोगों ने मिलकर बनाई थी और ये चारों लोग उसी समूह का हिस्सा है। बाकी 2 लोगों के नाम ललित और विशाल बताए गए हैं। आरोपी देश के अलग अलग हिस्सों से हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में पुलिस सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे के संपर्क में थे और उन्होंने कुछ दिन पहले योजना तैयार की और घटना से पहले रेकी भी की। इसके साथ ही बताया गया है संसद में आने से पहले आरोपी गुरुग्राम में विशाल के आवास पर रुके थे। योजना के अनुसार सभी 6 संसद के अंदर जाना चाहते थे लेकिन केवल 2 को ही पास मिला। पुलिस सूत्र के हवाले से बताया गया है उनकी विचारधारा एक थी और इसलिए उन्होंने सरकार को संदेश देने का फैसला किया। सुरक्षा एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या इन्हें किसी व्यक्ति या किसी संगठन ने निर्देश दिया था। इसके साथ ही बताया गया है पूछताछ में अमोल ने बताया कि वे किसान आंदोलन, मणिपुर संकट, बेरोजगारी जैसे मुद्दों से परेशान थे, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक मनोरंजन कर्नाटक के मैसूर से है, सागर शर्मा लखनऊ का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक सागर का परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले का है। इसके अलावा नीलम हरियाणा के जींद जिले से है, वहीं अमोल शिंदे महाराष्ट्र के लातूर से है। अब सुनिए कि आरोपियों को लेकर उनके परिजनों और बाकी लोगों ने क्या क्या कहा है। मेरा नाम रामनुशा जी, मैं गाँव घसो खुर्द से हूँ। अच्छा, अभी नीलम का एक वीडियो आता, प्रोटेस्ट किया लोकसभा के बाहर, क्या कहेंगे उस बारे में? हाँ, नीलम मेरी बड़ी दीदी है सर, वो हमें तो पता ही नहीं था कि वो दिल्ली गई है, हमें तो यही पता था कि हमने तो वो हिसार में छोड़ रखी है स्टडी के लिए। क्या करती है, कौन सी स्टडी करती है? वो स्टडी सर ये पेपरों की तैयारी करती है, उसका स्टेट एक्सपायर हो गया था उसकी तैयारी करती है, वो दोबारा पेपर देकर दोबारा फिर गई हिसार, तो उसका कल आई थी वो घर पे, परसों आई थी, तो कल वापिस गई है हिसार। कौन सी क्लास में पढ़ती है वैसे, कितना पढ़ लिखी है? वो BA MA BEd STAT CTAT MA MPhil नेट क्वालिफाइड है उसका सर। अच्छा, बेरोजगारी की बात उन्होंने कही तो घर पे इस तरह की बात करती थी, बेरोजगारी का मुद्दा है, आज भी उन्होंने संसद में ही कहा कि बेरोजगारी का तो सर उन्होंने कई बार मुद्दा उठा लिया, जैसे यहाँ पे किसान आंदोलन में भी गई थी वो, उनके साथ ही थी किसान आंदोलन में भी किया उन्होंने, तो सर बेरोजगारी तो है ही, आपको ही पता है। तो ये कब से इस तरह के आंदोलन में भाग लेती थी पहले? नहीं, सबसे पहला आंदोलन इसका किसान आंदोलन ही था बस।
तो इसको लेकर कभी बात होती थी आपसे की वजह से? इसी आंदोलन में भाग लेती थी, इसी कारण से हमें वो हिसार छोड़ रखी थी शिक्षा के लिए। तो कब छोड़ी थी सारी है? उसको कम से कम हिसार छोड़े को आज 5 से 6 महीने हो गए। तो ये आपको पता चला था दिल्ली गए एकदम से? नहीं, इसका नहीं पता था। मैं अब हमें तो बड़ा भाई जो कुलना रहता ना उसका फोन आया था केवल टीवी ऑन कर, बोले क्या बात होगी, बोले कि वो नीलम अरेस्ट कर ली वहाँ पे दिल्ली। तो और परिवार में कौन कौन है, क्या करते हैं? बड़ा भाई है, मेरी वाइफ है, मेरी माँ है, मेरे पिताजी है। क्या करते हैं काम करके? मेरे पिताजी हलवाई है। आप क्या करते हैं? मैं दूध का काम करता हूँ। और दूसरा भाई? वो भी दूध का काम करता है। कोई बात नहीं चलाई, और बेरोजगारी का उसका हिसाब था बहुत, मेरी लड़की तंग थी तो उसमें हमारा इतना जुगाड़ भी नहीं है, इतनी पढ़ाई लिखाई टूके पढ़ लिखाई पढ़ाई फिर मारा ती कोई कदम तो यार धरना बजा कर दी माँ पढ़ाई तो मतलब रख पे व्यापन धरना कुछ नहीं लेना। हमने वह भी रोक दी थी, फिर नहीं बोली मम्मी मेरे पेपर हैं, फिर उसके लिए हमने पढ़न खातर आसार छोड़ दी थी, हमने कोई बेरा नहीं था। यू इसार कब छोटी जल्दी 4-5 महीने हो गए मेरी छोटी लड़की ने साल चाहिए। तो आज कोई बात हुई थी उनसे दिल्ली गई? हाँ, आज दिल्ली की कोई बात नहीं हुई। हम डॉक्टर का मेरा सीसी चढ़े थी और वो ने बोली मान अच्छी अच्छा डॉक्टर का दिखा ले भाई आज की बीमारी है तो देखा मारे जामा मर जामा। तो आज बात हुई कोई? आज हाँ, आज वही डॉक्टर के थे हम, लेकिन बताया नहीं दिल्ली ना, कोई बताया नहीं दिल्ली। तो क्या कहेंगे मतलब आंटी ऐसा कदम उन्होंने उठाया प्रोटेस्ट करा, तो कोई बेरोजगारी की बात करा करती घर पर? हाँ, बेरोजगारी की बात करा करती। मैं बोली माँ मुझे इतनी मम्मी मुझे इतनी पढ़ ली, दो रोटियां का रोजगार नहीं मिलता, इस तकरी तो मैं मर जू। ये बात जरूर कहा कर दी। घर की स्थिति कैसी है जी? हम तो गरीब से हैं अभी। सागर को लेकर क्या कहेंगे, कल की घटना को लेकर क्या कहेंगे? क्या वो अभी यहाँ बैठे रिश्ता चला रहा था, इसको जो हमारे ख्याल से उसको फंसाया जा रहा नहीं, इस चक्कर में कुछ नहीं था। कौन लोग उसे फंसा रहे हैं, इसके पीछे कौन हो सकता है? बैंगलोर इसका दोस्त। बैंगलोर का वो क्या करता है इसका दोस्त? पता नहीं क्या, इंजीनियर है। कैसे संपर्क में आया था? तो ये हमारा बेटा भगत सिंह का बहुत बड़ा भक्त है। क्या बातें किया करता था भाई? भगत सिंह की बात करता रहता। और क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? हम तो ये कह रहे हैं अब जैसा उसने करा है, अब जो इतनी बेइज्जती हमारी हुई, इज्जत खराब हुई, जो नहीं होना चाहिए, हम नहीं चाहते थे ऐसा हो। बेटे ने जो करा उसको जो जैसा उसने करा उसे भुगते वो। क्या आप चाहते हैं कि जांच हो और जो असल दोषी है? बिल्कुल हो, जांच हो, जो जो जिसने गलत किया उसको पकड़ा जाए। और क्या कहेंगे? हम तो ये कह रहे हैं कि हमारे घर वालों को इतना परेशान किया जाए, वाइफ का 2-2 ऑपरेशन हो रखा है, वैसे भी टेंशन में है, हम चाहते हैं बिल्कुल परेशान ना करें। जिस बैंगलोर की साथी की बात कर रहे हैं, क्या उसको आप जानते हैं? क्या उससे कभी फोन पे बातचीत करता था? करता था, लेकिन मेरे को नहीं पता, हमने उसको देखे नहीं कभी। कैसे आपको ये बात पता चली कि बैंगलोर का कोई साथी है? कल अभी पता लगा। कल की घटना को लेकर क्या कहेंगे? कल की घटना को लेकर क्या कहेंगे? जो हुआ बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। संबंधित अधिकारियों के मुताबिक इस घटना के संबंध में दिल्ली के संसद मार्ग पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 120B, 452, 153, 186 और 353 और UAPA की धारा 16 और 18 के तहत मामला दर्ज किया गया है। यहां गौर करने वाली बात ये भी है कि ये घटना 13 दिसम्बर को ही, जी हाँ 13 दिसम्बर, जिस तारीख को साल 2001 में संसद भवन पर बड़ा आतंकी हमला हुआ था। इस घटना पर सियासत भी काफी तेज हो चुकी है और विपक्ष ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। अगर आवाज नहीं उठाई तो सदन में बैठने की क्या जरूरत है? देश की सुरक्षा के साथ जो लोकतंत्र का मंदिर है, कल आप सबने देखा, पूरे दुनिया ने देखा कि दो लोग भारतीय जनता पार्टी के सांसद के बनवाए हुए पास पर अंदर आए। यही नहीं, वो सदन के अंदर पहुंच गए, वहां उन्होंने जूते से निकाला, अब वो स्मोक बम है या कोई कलर बम है, जो भी है, तो अगर वो स्मोक बम नहीं होता, यानी पहुंच तो गया बम वहां पे, संसद की सुरक्षा का सवाल है,
तो ऐसे हालात में अगर हम राज्यसभा में ये उठा रहे हैं कि आइए सुरक्षा पर चर्चा करें और इस पर माननीय गृहमंत्री जी अपना वक्तव्य दें, तो मैं समझता हूं चाहे डेरिक हो या कोई भी हो उसकी ये मांग जायज थी। अब आप हमको अपनी बात कहने भी नहीं देते, 267 की नोटिस है आज। मैं पूरी तरह सरकार को दोषी मानता हूं, सरकार ने ही प्रस्ताव रखा, सरकार के ही प्रस्ताव पर उन्हें निकाला गया, तो हम पुनर्विचार का अनुरोध करते हैं कि मुद्दा क्या था उनका। मुद्दा पार्लियामेंट की सुरक्षा का था, देश की सुरक्षा का था। अगर पार्लियामेंट में पिछली बार जो हमला हुआ था यही हुआ था, वो अंदर नहीं जा पाए थे, बारी रोक दिए गए थे, यहीं पे उन्हें उनको मंजिल तक पहुंचा दिया गया था। और यहां तो अंदर ही नहीं गए, वो लोकसभा में चले गए, आधी दूरी तय कर ली, उसके बाद भी अगर हम चुपचाप यहां खामोशी से बैठे रहे, एक शब्द न बोले, तो हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं। तो हमारे कर्तव्य के पालन में सरकार बाधा बन रही है। हम सरकार की कठोरतम शब्दों में निंदा करते हैं, चेयर के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, सरकार की निंदा करते हैं और ये कहते हैं कि गृहमंत्री सदन में आए और इस पर वक्तव्य दें, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बने, हम भविष्य में घटना की दोबारा न घटित हो इसके विषय में विचार करें। देखिए कल बहुत बड़ी चूक हुई है सिक्योरिटी के अंदर, पार्लियामेंटेरियंस की जान खतरे में थी। अगर वो आदमी जितना वो बारूद लाया था अगर RDX होता तो शायद कोई भी नहीं बचता। तो ये जिम्मेदारी किसकी है, सिक्योरिटी क्या कौन सा मंत्रालय देखता है? उसके अलावा जब एक थ्रेट मिल चुकी थी और कल के दिन के लिए मिली थी तो क्यों नहीं उस पर ध्यान दिया गया? IB किसके अंडर में आती है? इंटेलिजेंस ब्यूरो को कौन गवर्न करता है? किसको इन्फॉर्मेशन देते हैं? क्या मंत्रालय जिम्मेदार नहीं है इसका? हम तो डिमांड कर रहे हैं कि गृह मंत्री आए, अपना बयान दें, हमें सेटिस्फाई करें। इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लोकसभा सचिवालय के अनुरोध पर जांच के आदेश दिए हैं। इस बीच सुरक्षा की जिम्मेदारी से जुड़े कुछ लोगों को सस्पेंड भी किया गया है।